हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत। आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 57 का लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। आज बच्चों हम सिलिकॉन्स का वर्गीकरण देखेंगे। कल बेटा हमने आपको सिलिकॉन्स क्या होती हैं यह समझाया था। हमने बोला था कि सिलिकॉन्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिनमें R2SiO यूनिट होती है। R2SiO यूनिट R2CO अर्थात कीटोन की यूनिट के समान थी, इसलिए अंत में हमने कीटोन के समान यहां पर ONe ऐड किया था, तब हमें सिलिकॉन्स वर्ड प्राप्त हुआ। सिलिकॉन शब्द की उत्पत्ति कीटोन जैसे शब्द से हुई है, क्योंकि हमने बोला था आपको R2CO कीटोन होता है। R2CO कीटोन और R2SiO ये सिलिकॉन कीटोन के समान था, इसलिए ONe शब्द जुड़ा था। ठीक, आज हम देखते हैं बेटा वर्गीकरण। तो सभी सिलिकॉन्स को बेटा हमने तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया है, तीन वर्गों में बांटा है, वर्गीकृत किया है। फर्स्ट लीनियर, रेखीय या स्ट्रेट सिलिकॉन्स, दूसरी थी साइक्लिक सिलिकॉन्स और थर्ड है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। लीनियर, साइक्लिक और क्रॉस, तीन प्रकार की सिलिकॉन्स हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो बेटा वर्गीकरण के कई सारे आधार हैं, जैसा कि बोला है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स में सिलिकॉन्स हैव डिफरेंट नेचर ड्यू टू द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ चेन। सिलिकॉन्स एक दूसरे से काफी भिन्न होती हैं, क्योंकि इनकी जो चेन की लेंथ होती है, श्रृंखला की जो लंबाई होती है, वो अलग अलग होती है, उसमें डिफरेंस होता है। इस कारण इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। साइज ऑफ एल्किन या एरिल ग्रुप, एल्किन तथा एरिल ग्रुप का साइज भी अलग अलग होता है, किसी में मेथिल ग्रुप, किसी में एथिल, तो साइज भी अलग अलग होगा। तो ऑन दिस बेसिस इस तथ्य के आधार पर सिलिकॉन्स को हमने इस प्रकार क्लासिफाई किया है। सिलिकॉन्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट है लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन। ऐसी सिलिकॉन जिनकी चेन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, सीधी, लीनियर यानी कि रेखीय होती है, सीधी और रेखीय चेन होगी, उन वाली सिलिकॉन्स को हमने लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन बोला है। दूसरी साइक्लिक सिलिकॉन्स, इनमें चेन साइक्लिक हो जाएगी, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में चेन बनेगी। थर्ड है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, ये ऐसी सिलिकॉन है बेटा जिनमें चेन क्या है, क्रॉस्ड है, क्रॉस्ड इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ, इन्हें बोल दिया हमने क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन। हेडिंग डाल दीजिए लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन। लीनियर या स्ट्रेट चेन सिलिकॉन, लीनियर तथा स्ट्रेट चेन सिलिकॉन, देखिए दीज आर ऑब्टेंड बाय दी हाइड्रोलाइसिस, दीज आर ऑब्टेंड बाय द हाइड्रोलाइसिस। प्राप्त कैसे होती है बेटा, जल अपघटन द्वारा प्राप्त होती है, किसके, एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइएथिल और डाइ
कॉन्सेंट्रेट सिलिकॉन क्लोराइड। जो लीनियर या स्ट्रेट चेन सिलिकॉन होती है बेटा, वे डाई एल्किन या डाई एल सिलिकॉन क्लोराइड के जलघटन तथा संघनन बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होती है। डाई एल्किल क्लोराइड या डाई एरिल सिलिकॉन क्लोराइड, डाई एल्किल सिलिकॉन क्लोराइड या डाई एरिल सिलिकॉन क्लोराइड के जलघटन तथा संघनन बहुलीकरण द्वारा हमको लीनियर या स्ट्रेट चेन सिलिकॉन प्राप्त होता है। यही बोला है। These are obtained by the hydrolysis and condensation polymerization of dialkyl or dialkyl substituted silicon chloride। ये dialkyl silicon chloride है, ये है dialkyl silicon chloride। Ar2SiCl2, ये R2SiCl2। ठीक। Example देखिए आप। ये एग्जाम्पल है बेटा, ये यहां पर सिलिकेन एक सीधी रेखा में है, ये SiOSi यूनिट एक स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए हमने इन्हें लीनियर या स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स बोला। समझ आया? प्राप्त होगी डाइएल्किल या डाइएरिल सिलिकॉन क्लोराइड के जलघटन या संघनन बहुलीकरण द्वारा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखते हैं बेटा हम अपनी दूसरे प्रकार की सिलिकॉन। सेकंड है साइक्लिक सिलिकॉन, चक्रीय सिलिकॉन, चक्रीय सिलिकॉन, साइक्लिक सिलिकॉन। साइक्लिक सिलिकॉन्स भी लीनियर सिलिकॉन्स की तरह डाई एल्किल या डाई एरिल सिलिकॉन क्लोराइड के जलघटन तथा संघनन बहुलीकरण द्वारा ही प्राप्त होती है। लेकिन देखो यही बोला है मैंने, जस्ट लाइक लीनियर सिलिकॉन, रेखीय सिलिकॉन के समान दीज आर ऑप्टेन, ये भी प्राप्त होती है बेटा बाय द हाइड्रोलाइसिस, बट कंट्रोल्ड कंडेंसेशन। हाइड्रोलाइसिस तो वैसा ही होगा, लेकिन कंडेंसेशन कंट्रोल्ड होगा नियंत्रित संग्रहण द्वारा। कंट्रोल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइएल्किल और डाइएल्किल एरिल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक कैटलिस्ट। अंतर देख लीजिए बेटा, केवल और कुछ नहीं, अंतर क्या है, साइक्लिक सिलिकॉन्स भी बेटा किसके समान, साइक्लिक सिलिकॉन्स भी लीनियर सिलिकॉन्स के समान ही, लीनियर सिलिकॉन्स के समान ही जलघटन, लेकिन कंट्रोल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसके, डाइएल्किल या डाइएरिल सिलिकॉन क्लोराइड के लेकिन यहां पर कैटलिस्ट भी प्रेजेंस होना चाहिए, साइक्लिक कैटलिस्ट, चक्रीय कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा। ऐसा वहां पर कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं थी, जलघटन द्वारा तथा संघनन बहुलीकरण द्वारा सीधी सीधी हमें लीनियर सिलिकॉन प्राप्त हो रही थी। यहां पर हमें साइक्लिक सिलिकॉन के लिए हाइड्रोलाइसिस तो वैसे ही कराएंगे, लेकिन संघनन पॉलीमराइजेशन मतलब संघनन बहुलीकरण जो कराना है हमें, वो कंट्रोल्ड कराना है, और कैटलिस्ट साइक्लिक, कोई कैटलिस्ट भी लेना, साइक्लिक कोई कैटलिस्ट भी यूज करना है। तब
तब हमें साइक्लिक सिलिकॉन्स प्राप्त होंगे। साइक्लिक सिलिकॉन्स में एग्जांपल हमने ट्राइमर और टेट्रामर यूनिट वाला डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, देख लीजिए, जस्ट लाइक लीनियर सिलिकॉन दीज आर ऑब्टेंड बाय द हाइड्रोलाइसिस बट कंट्रोल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइएथिलोर सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड Ar2SiCl2 इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक कैटलिस्ट की उपस्थिति में। एग्जांपल है बेटा, देखिए आप एग्जांपल है ये, एक Ar2SiO यूनिट ये है, एक Ar2SiO यूनिट ये है, एक Ar2SiO यूनिट ये है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है, इसलिए हमने ट्राइमर बोला है। एक मोनोमर यूनिट ये, एक मोनोमर ये, एक मोनोमर ये, 3 मोनोमर यूनिट मतलब ट्राइमर हो गया। तो साइक्लिक ट्राइमर सिलिकॉन है, साइक्लिक ट्राइमर सिलिकॉन। इसी तरह से बेटा यहां पे देख लीजिए, एक Ar2SiO यूनिट ये, एक Ar2SiO यूनिट ये, एक Ar2SiO यूनिट ये और एक Ar2SiO यूनिट ये, 4 Ar2SiO यूनिट है यहां पर। तो 4 मोनोमर यूनिट है यहां पर सिलिकॉन की, तो इसे टेट्रामर बोल सकते हैं। तो ये साइक्लिक टेट्रामर है, ये है साइक्लिक टेट्रामर। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल थे साइक्लिक सिलिकॉन के। अब हम अपनी लास्ट सिलिकॉन डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड है क्रॉस लिंक चेन सिलिकॉन, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। थर्ड हेड डाल दीजिएगा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। ये देखते हैं बेटा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स ये बेटा लीनियर तथा साइक्लिक दोनों से अलग प्रकार से हमें प्राप्त होती है। यह भी बेटा हमें संघनन बहुलीकरण तथा जलपटन द्वारा ही प्राप्त होगी, लेकिन हमने सदैव डाई एल्किल या डाई एरिल सिलिकॉन क्लोराइड से ही दोनों प्रकार की सिलिकॉन्स प्राप्त की थी, लीनियर भी और साइक्लिक भी। यहां पर जो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स होती है बेटा, वो तो मोनो एल्किल या मोनो एरिल, मोनो याद रखना, मोनो एल्किल या मोनो एरिल सिलिकॉन क्लोराइड के जलपघटन तथा संघनन बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं दीज आर ऑब्टेंड बाय द हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो एल्किल सब्स्टिट्यूटेड और मोनो एरिल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड Ar-SiCl3 या Ar-SiCl3 के जलपघटन या संघनन बहुलीकरण द्वारा हमको क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन प्राप्त होता है। यही बेटा हमने लिख दिया है, These are obtained by the hydrolysis and condensation polymerization of monoaryl or monoaryl substituted silicon chloride RSiCl3 और ArSiCl3। देखिए बेटा इनके स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, तीसरे प्रकार की जो सिलिकॉन है हमारी क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन,
उसका स्ट्रक्चर देखिए बेटा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये देखिए और भी बना सकते थे, देख लीजिए बेटा, ये है आपकी क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। ये है बेटा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, लिंकेज क्रॉस है, लिंकेज बेटा क्रॉस है। यहां पे देखिए इधर भी SiO Si लिंकेज, इधर भी SiO Si लिंकेज, ठीक, यहां पे भी, यहां पे भी, इसलिए ये क्रॉस है, इधर से भी लिंकेज, इधर से भी लिंकेज। तो ये था बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। आपके लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।